अस्सलामुअलैकुम। सी एस एफ इज़ अ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। इट इज़ अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूड सेक्रेटेड बाय द कोरोइड प्लेक्सिस इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। कोरोइड प्लेक्सिस बेसिकली ये जो होते हैं ना ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूड होता है जो डज नॉट क्लॉट ऑन स्टैंड। उसके बाद पीएच जो होता है ना 7.33 इसकी पीएच है सीएसएफ की, और इसका जो रिएक्शन है वो अल्केलाइन है। डेफिनेटली अगर इसकी पीएच 7 से ज़्यादा है तो इसका जो रिएक्शन है वो अल्केलाइन ही होगा। उसके बाद सीएसएफ का जो वॉल्यूम है 150 एमएल इन एडल्ट में है, और जो प्रेशर है वो 110 से 130 एमएम वाटर है। प्रेशर जो है सीएसएफ को इंक्रीज होता है इन फोर कंडीशन में, स्टैंडिंग कंडीशन में होगा, कफिंग कंडीशन, स्नीजिंग एंड क्राइंग कंडीशन में। तो दिस इज़ द सीएसएफ। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, कंपोजिशन जो सीएसएफ है, जैसे कि ये सेरेब्रोस्पाइनल एक फ्लूड है तो इसमें जो वाटर की अमाउंट वो ज़्यादा होगी। 99.13% जो है इसकी वाटर की अमाउंट होगी, और 0.87 जो है सॉलिड्स हो गए। तो सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होंगे। ऑर्गेनिक में जो है प्रोटीन्स हैं, शुगर है, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो है सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स था। ये कंपोजिशन सीएसएफ है। जो मेन पार्ट है वो है सीएसएफ का सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। जैसे कि हम जानते हैं कि सीएसएफ जो है वो लेटरल वेंट्रिकल्स में बनते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद जो है ना सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल्स में जाएगा बाय फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा बाय एक्यूडक्ट ऑफ सेविलस से। फोर्थ वेंट्रिकल की थ्री ओपनिंग्स होती हैं, जो दो हैं उनको फोरामेन ऑफ लश्का कहते हैं और एक को फोरामेन ऑफ मेजेंडाई कहते हैं। तो जो फोरामेन ऑफ लश्का के बाद सीएसएफ सिस्टर्ना मैग्ना में जाएगा, और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई के बाद सिस्टर्ना लेटरल्स में जाएगा सीएसएफ। उसके बाद इन सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लेटरल्स जो है, इसके बाद जो सीएसएफ है वो जाएगा सीधा जो है सब अर्चनॉइड स्पेस में। देन अगर हम वन लाइनर कहेंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल के बाद जो सीएसएफ है वो कैनाल के जरिए, सेंट्रल कैनाल के जरिए स्पाइनल फ्लूड, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। देन है फंक्शन ऑफ सीएसएफ। ये एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है सीएसएफ, यानी कि अगर हमें हमारी ब्रेन में कुंजी वगैरह हुई है तो उस तो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करेगा। एंड सर्व एज अ मीडियम फॉर न्यूट्रिशनल एक्सचेंज इन सीएनएस। न्यूट्रिशनल एक्सचेंज जो होगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये उसके तौर पर भी काम कर रहा था। रिमूव करता है मेटाबोलाइट्स को फ्रॉम ब्रेन से, एंड ट्रांसपोर्ट मेडिसिन इन सम डिजीजेज, और एक्ट करता है एज अ फ्लूड बफर। तो ये था हमारा सारा सीएसएफ के बारे में।